हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो जीरो होगा। केजरीवाल की गारंटी है। तो सुना आपने किस कार से, यहां पर गुजरात में भी आम आदमी पार्टी क्या तीसरा राज्य होगा जहां पर गुजरात में सरकार बनाने में कामयाबी यहां पर मिलने वाली है आम आदमी पार्टी, जिस कार की बड़ी घोषणाएं वो करते नजर आ रहे हैं। आखिर सट्टा बाजार का क्या आंकड़ा हो सकता है गुजरात की 182 सीटों को लेकर अगर बात की जाए। सर्वे के मुताबिक जो जानकारी है उसमें आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो कि 2 राज्यों में सरकार में है, और ये माना जा रहा है कि विपक्ष में इस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर सर्वे में आम आदमी पार्टी का ही नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाबी होगी। बीजेपी से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह पूरी तरह से सतर्क आम आदमी पार्टी से हो चुके हैं, वो सीट ले चुके हैं 2020 में दिल्ली में जिस कार का पलटवार यहां पर आम आदमी पार्टी ने किया था। तो क्या गुजरात में कुछ नया हो सकता है, इस पर सर्वे के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं। जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह की बड़ी मीटिंग हुई है उसमें खास तौर पर एक नई रणनीति के तहत अब गुजरात में बीजेपी काम करेगी, तो क्या गुजरात में कांग्रेस यहां पर टक्कर देगी या नहीं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या निकल कर सामने आ रहे हैं। गुजरात को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े अगर बात की जाए, 2017 में तो कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी तो बीजेपी ने 99 सीटें ही हासिल लगी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी सरकार बना ली। सवाल यह कि क्या बीजेपी बरकरार रहेगी, आम आदमी पार्टी क्या तीसरा राज्य होगा गुजरात जहां सरकार बनाने में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिस कार से बड़ी बड़ी योजनाओं और बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करते नजर आ रहे हैं उस हिसाब से क्या कुछ हो सकता है। जिला कच्छ की अगर बात की जाए तो यहां पर 6 सीटों की आंकड़ों में यहां पर बीजेपी 5 सीटों पर कमल खिला सकती है, आम आदमी पार्टी का 0 और यहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जो यहां पर आंकड़े हैं। बनासकांठा की अगर बात की जाए 9 सीटों में से बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस को यहां पर 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल लगा रहा है। पाटन की अगर बात की जाए 4 सीटों में बीजेपी कांग्रेस बराबर दिखाई दे रही है, बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए मौसाड़ा की अगर 7 सीटों में बीजेपी 6 सीट जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आ सकती है, जो आंकड़े ले सकते हैं। साबरकांठा की अगर बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर बात की जाए अन्य की तो अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आरावली की अगर बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आ सकती है, यानी बात की जाए कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, जो आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो अब माहौल बदतर नजर आ रहा है क्योंकि कई बड़े उलटफेर अब देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अहमदाबाद की अगर बात की जाए 21 सीटों में से बीजेपी 16 सीट जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। मोरबी की अगर बात करें 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जबकि कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 6 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जामनगर की अगर बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी 2 जबकि कांग्रेस को 3 सीटें आ सकती हैं। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस 1-1 सीट पर आ सकती है, जो आंकड़े हो सकते हैं। पोरबंदर की अगर बात की जाए 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जूनागढ़ की अगर बात की जाए 5 सीटों में से कांग्रेस पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, बीजेपी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। गिर सोमनाथ की अगर बात की जाए 4 सीटों में से कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, बीजेपी यहां पर 1 सीट पर कमल खिला सकती है। अमरेली की अगर बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट जबकि कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। भावनगर की 4 सीटों में से कांग्रेस 3 सीट जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। कोटात की अगर 2 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट पर यहां पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। आनंद की अगर बात की जाए 7 सीटों में से यहां पर बीजेपी को यहां पर 2 सीटें जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। खेड़ा की अगर बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल सकती है, जो गुजरात को लेकर नया ओपिनियन पोल जारी हुआ है। दाऊद की अगर बात की जाए 6 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस 3-3 सीटों पर बराबरी पर दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। वडोदरा की अगर बात की जाए 10 सीटों में से बीजेपी यहां पर 7 सीटें जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। छोटा उदयपुर की अगर 3 सीटों में बात की जाए तो कांग्रेस 2 सीट जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए सूरत की तो सूरत की
16 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा 13 सीटें, एक सीट आम आदमी पार्टी, दो सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। नक्सली की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है। वलसाड की अगर बात की जाए 5 सीटों में से कांग्रेस को एक सीट जबकि बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े इस तरह से हो सकते हैं। 182 सीटों की अगर बात की जाए तो 82 सीटों में से बीजेपी को 104 सीटें यानी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। आज चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है वो क्या कमल को रोक पाएगी, या फिर कांग्रेस 74 सीटों पर जो आप फिलहाल पहुंच रही है क्या ये आंकड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ पहुंचेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या बीजेपी से यहाँ पर गिरकर आंकड़ा आम आदमी पार्टी तक पहुंचेगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आम आदमी पार्टी क्या गुजरात में कुछ नया कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। आखिर गुजरात में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है गुजरात में चुनाव में, ऐसे में अब सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए, क्या गुजरात में बरकरार रहेगा कमल या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वापसी, ख्याल रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।